हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट हम टॉपिक करते हैं ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग की और इलेक्ट्रिक फ्यूज की। देखो ओवरलोडिंग क्या है, ओवरलोडिंग क्या होती है, ये मैंने इससे पहले आपको बता दिया था 5 एम्पीयर 15 एम्पीयर जो कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की थी उसमें, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम ओवरलोडिंग की। तो ओवरलोडिंग क्या होती है कि एक ही सॉकेट है मान लो, ठीक है, अब उसमें आपने नंबर ऑफ अप्लायंसेस लगा दिए तो यहाँ पर तो लार्ज करंट फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना। मान लो ये था 15 एम्पीयर के लिए बना हुआ, ठीक है ना, इसमें तारे मोटी लगा दी हमने 15 एम्पीयर के लिए, ठीक है। अब एक लगा दिया आपने, फिर दूसरा भी इसी में ही लगा दी तारे जोड़ के, तीसरा भी इसी में ही लगा दिया। मान लो इसमें हमने क्या क्या लगा दिया, जैसे हम कहें इसके अंदर हमने कूलर भी लगा दिया, ठीक है जी, कूलर भी लगा दिया और मोटर भी लगा दी इसी के अंदर ही, और क्या हम बात करें कूलर हो गया, मोटर हो गया, हीटर भी लगा दिया एक ही में, ठीक है, और फ्रिज भी लगा दिया जिसको हम रेफ्रिजरेटर बोलते हैं, ठीक है, ये भी लगा दिया एक ही सॉकेट में। तो ऑब्वियस बात है इसको भी 15 एम्पीयर करंट, इसको भी 15, इसको भी 15, इसको भी 15, इतना करंट निकल गया जी इसमें से। तो अब तो इसकी तो कैपेसिटी 15 एम्पीयर की थी, अब क्या होगा, बर्नआउट ही होगा ये, ठीक है ना। जब लार्ज करंट फ्लो करने लग जाए उसकी कैपेसिटी से, उसे ओवरलोडिंग बोलते हैं, और उसकी वजह से इसमें आग भी लग सकती है क्योंकि तारें जल जाएंगी, ठीक है ना। तो लेकिन इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे पहले अगर हमने फ्यूज़ लगा दिया होता है एक, तो फ्यूज़ में 15 एम्पीयर का करंट अगर आ रहा है तब तो चलेगा, अगर आप और ज़्यादा लगाओगे इसमें तो वो ज़्यादा करंट ड्रॉप जैसे ही करेगा ना, वो पहले फ्यूज़ ख़राब होगा। फ्यूज़ क्यों ख़राब होगा, क्योंकि वो फ्यूज़ ऐसा होता है तो ये जो वायर है ना ये बर्न हो जाएगी उसमें, तो आगे करंट ही नहीं जाएगा, तो अप्लायंसेस तो बच ही जाएंगे ना ख़राब होने से, नहीं तो अब मान लो बर्न आउट हो जाए तो सब कुछ ही ख़राब हो जाएगा ये, तो ठीक है ना, अप्लायंसेस में भी दिक्कत आ जाती है। तो यही लिख रखा है ओवरलोडिंग में कि फ्लो ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट बियॉन्ड इट्स परमिसिबल वैल्यू, ठीक है, तो जो उसको क्या बोलेंगे हम ओवरलोडिंग बोल देते हैं, ठीक है। ओवरलोडिंग क्यों होती है, अकर्स व्हेन मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ हाई पावर रेटिंग, क्या कर दी हमने सिंगल सॉकेट में ही लगा दी, तो क्या होगा ओवरलोडिंग में कॉज फायर। इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। इसीलिए जो आपने देखा होगा वो जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ना, इसीलिए बनाया था कि ओवरलोडिंग ना हो, हर एक रूम को अलग प्रोवाइड कर दिया था कि ओवरलोडिंग ना हो वहाँ पर, नहीं तो कहीं सोचते हैं एक ही में कनेक्ट कर दो यार सब कुछ ही, ठीक है, तो फिर वही कहानी होगी फिर उसमें, ठीक है ना, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स बनाया था। शॉर्ट सर्क्यूटिंग, ठीक है, शॉर्ट सर्क्यूटिंग क्या होती है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में फ्यूज़ लगे हैं, मेन काम फ्यूज़ ही का ही है, ठीक है ना, फ्यूज़ बचा रहा है सभी अप्लायंसेस को अगर वो ओवरलोडिंग हो जाए वहाँ पर किसी भी तरीके से, या ज़्यादा करंट फ्लो करे तो अप्लायंसेस ना ख़राब हो, सबसे पहले क्या हो फ्यूज़ ही उड़ जाए, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, अब देखो शॉर्ट सर्किटिंग पे आगे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लो। ओवरलोडिंग में कॉज फायर क्यों होती है, ऑब्वियस बात है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से। अब मान लो करंट अगर बढ़ जाएगा, ठीक है, अब उन वायर्स में जो करंट था इस सॉकेट की जो वायर थी, ठीक है, एक तरह से ऐसे समझ लो सर्किट में 15 एम्पीयर तक के करंट को फ्लो करते हैं वो, ठीक है। अब आपने इतने सारे अप्लायंसेस लगा दिए तो लार्ज करंट फ्लो हो गया, लार्ज करंट फ्लो हो गया तो क्या होगा बताओ, लार्ज करंट अगर फ्लो हो जाएगा तो करंट ज़्यादा तो हीट भी क्या होगी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो फिर क्या होगा बर्न आउट ही होगा सिस्टम, ठीक है। अब शॉर्ट सर्क्यूटिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्क्यूटिंग में क्या होता है कि अगर लाइव वायर जो है हमारी और न्यूट्रल वायर जो है वो कॉन्टैक्ट में आ जाए, ठीक है, तो वो क्या होती है शॉर्ट सर्क्यूटिंग होती है, ठीक है। अब उसकी वजह से भी क्या होती है आग ही लगती है, देखो कैसे इस चीज़ को आप समझ सकते हो, देखो जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ आपको ये बाहर से ये मान लो इस तरीके से कनेक्शन आ रहा है, ये लाइव वायर का ये न्यूट्रल का, इस तरीके से समझ लो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से ही आ रहा है ऐसे समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि ये आपने मान लो यहाँ पर ये कूलर लगा दिया एक, ठीक है जी, कूलर लगा दिया ये कूलर है, ठीक है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर, हुआ क्या किसी भी तरीके से कह लो आप ये, ठीक है, अंदर या तो अंदर यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है कि जो कनेक्शंस हैं उसमें ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जुड़ गई आपस में, ठीक है, ये इसको चलाने के बजाय ये आपस में कनेक्ट हो गई, ठीक है। तो देखो होता क्या है, ये जो कूलर लगाया इसमें क्या है, ऑब्वियसली बात है यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मान लो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसमें करंट जो है हमने कहा भैया 15 एम्पीयर का आ रहा है, ठीक है, इसमें इस तरीके से हमने बोल दिया, ठीक है, 15 एम्पीयर का करंट इसमें आ रहा है, ये 15 एम्पीयर का करंट ले रहा है, ठीक है। अब हुआ क्या, मान लो इस तरीके से ये वायर ऐसे आपको जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये कनेक्ट हो गई आपस में, तो अब जो करंट है ना वो इधर से नहीं फ्लो होगा, यहाँ तो रेजिस्टेंस हो गया, कोई भी इक्विपमेंट लगा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब ये डायरेक्टली कनेक्ट हो गई तो करंट अब इधर जाने की बजाय इधर जाएगा, इधर से ऐसे, क्योंकि उसे तो क्या चाहिए लो रेजिस्टेंस पाथ चाहिए, तो उसे ये मिल गया। अब जब इधर ये चला गया तो ऑब्वियसली बात है एक चीज़ को समझो, 15 एम्पीयर का करंट वो इसके लिए था, ठीक है, इस इक्विपमेंट के लिए था। अब
हुआ क्या, मान लो 15 एम्पियर का करंट यहाँ इसके लिए था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, उसके अकॉर्डिंग उसने 15 एम्पियर का करंट बनाया। अब ये हो गई डायरेक्ट कनेक्ट, अब करंट 15 एम्पियर नहीं रहा, समझ रहे हो, क्योंकि 15 एम्पियर किसकी वजह से मिल रहा था, इस कूलर की वजह से। अब करंट हो गया यहाँ ज़्यादा, करंट ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बात है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये इस वायर्स के थ्रू ऐसे निकलेगा, ठीक है, वायर्स के थ्रू ऐसे निकलेगा, बात को समझ रहे हो या नहीं। 15 एम्पियर करंट है इस कूलर की वजह से, क्योंकि रेजिस्टेंस तो 15 एम्पियर का करंट बना दिया, इस तरीके से समझो, ये कमी कह रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। और जो अगर ये नहीं है कनेक्टेड और ये डायरेक्ट वायर ऐसे कनेक्ट हो गई, तो यहाँ से लार्ज करंट फ्लो करेगा, लार्ज करंट फ्लो करेगा तो वही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से क्या होगा, स्क्वायर आरटी से, करंट बढ़ गया हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी तो ये क्या होगी, बर्नआउट हो जाएगी, यहाँ पर आग नहीं लग जाएगी, यहाँ पर समझ रहे हो, बर्निंग हो जाएगी। तो ये शॉर्ट ही तो हो गया, देखो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट पाथ ले लिया इसने करंट ने, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, इन दिस सिचुएशन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। अब यहाँ पर इस क्या होगा, जब डायरेक्ट हो गए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा, यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, कम है, ऑब्वियस अगर कोई चीज़ कनेक्टेड नहीं है तो करंट बढ़ जाएगा। करंट कैसे बनेगा, बढ़ेगा, देखो आपको पता है V इज इक्वल टू में क्या होता है, आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है V बाई आर, तो जो I होता है ना हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। तो पहले R हमारा क्या था इस वाले केस में, यहाँ पर ज़्यादा था तो करंट कम होगा इन्वर्सली है। अब रेजिस्टेंस हो गया क्या हमारा कम, तो करंट बढ़ ही जाएगा, तो करंट बढ़ रहा है तो H बढ़ रहा है। तो इन दिस सिचुएशन क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल एंड हेंस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू इट, और इसकी वजह से क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट जो होगी बहुत प्रोड्यूस होगी, ठीक है, और सर्किट कैचेस द फायर, सर्किट क्या करेगा, फायर कैच कर लेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं जी, यहाँ फ्यूज़ लगाते हैं। फ्यूज़ जब लग जाता है तो ये जो वायर है ना, ये 15 एम्पियर के करंट तक तो सहलेगी, ठीक है ना, टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके, ठीक है, लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि 200 डिग्री सी पे ये क्या हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है। अब 200 डिग्री सी यानी कि क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 15 एम्पियर से ज़्यादा का करंट होगा तो उसमें 200 डिग्री सी आ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएंगी, ये फिर पिघल जाएंगी, पिघल जाएंगी तो ऑब्वियस बात है ये बर्नआउट हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसी ने सह लिया ना, अगर 15 एम्पियर का हमने ये लगाया, इतने करंट को तो पास करने दिया, अब इससे ज़्यादा करंट हो गया तो ये बर्नआउट हो गई, ठीक है, ऐसे समझो, ये बर्नआउट हो गया। अब अगर ये बर्नआउट हो गई तो ऐसा बन गया ये फ्यूज़, तो करंट जाएगा ही नहीं, तो आग लगेगी नहीं, कनेक्शन ही कटआउट हो जाएगा। तो वही इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड इन लाइव वायर टू सेव द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है जी। तो लाइव वायर में लगता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, और जो स्विचेस लगाते हैं ना हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पीछे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, तो जैसे सॉकेट बनाया हुआ था हमने, सॉकेट बनाया हुआ था, ये तो अर्थिंग में जा रही थी, ये लाइव वायर जा रही थी इधर से, हमारी न्यूट्रल थी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ था, स्विच लगाया हुआ था अगर आपको याद हो, ठीक है। तो वो जो स्विच है ना, ये भी लाइव वायर में ही लगता है, याद रखना, और फ्यूज़ भी लाइव वायर में लगता है टू सेव द सर्किट फ्रॉम शॉर्ट सर्किटिंग, क्योंकि मेन तो करंट वाली यही है ना जो लेकर आ रही है करंट को, ठीक है ना। तो न्यूट्रल से तो जाता है करंट, याद रखना, और आता कहाँ से है, कहाँ से है बताओ, लाइव वायर्स में है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियस बात है लाइव में भी कम काम कब करेगा, जब न्यूट्रल कनेक्ट होगी, जब उसे पाथ मिलेगा वापसी आने का, अभी तभी तो चलेगा, सर्किट तो पूरा कंप्लीट ही होना चाहिए ना। तो रीज़न ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग इज आइदर द इंसुलेशन ऑफ द वायर इज डैमेज। अब मान लो जैसे दो वायर्स हैं, ऐसे समझो ये दो वायर्स हैं और ये बल्ब है एक तरह से, मान लो ये कनेक्टेड है, ठीक है। अब हुआ क्या है इसमें, मान लो ये बल्ब कनेक्टेड है और मान लो ये 5 एम्पियर का करंट ले रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये यहाँ से ऐसे चिपक गई, वायर्स ऐसे चिपक गई और इनकी इंसुलेशन भी यहाँ से फट गई, मान लो एक तरह से हट गई कह दो किसी तरीके से, ठीक है। तो ये अटैच नहीं हो जाएंगी वायर्स, ठीक है ना, इधर से भी कॉपर दिख रहा है इसका, इधर से भी कॉपर दिख रहा है, न्यूट्रल वाली का भी लाइव का भी, तो ये अटैच हो गई, ठीक है ना। इंसुलेशन की वजह से तो अलग अलग है, ऐसा थोड़ी है कि एक तार को इधर बिछाएंगे एक तार को इधर, इकट्ठी भी भेज देते हैं, लेकिन इंसुलेशन है तो वो दोनों अटैच नहीं हो पाती। लेकिन मान लो यहाँ से इंसुलेशन हट गई, ठीक है, किसी भी तरीके से कोई भी डैमेज हुआ तो क्या होगा, वो बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है विद टाइम टू टाइम, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से, उसकी वजह से इंसुलेशन इनकी हट जाती है। तो रीज़न ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, या तो इंसुलेशन जो होगी वायर की वो डैमेज होगी, या फिर कुछ और फॉल्ट भी अप्लायंस में ही आ गया अलग, ठीक है, कि वहीं पर ही कुछ ऐसा हुआ कि वो अप्लायंस काम नहीं कर रहा और वो डायरेक्ट करंट क्या हो रहा है जी, आया और वो न्यूट्रल में से निकल गया, वो अप्लायंस काम ही नहीं कर रहा ये वाला, ठीक है, ये अप्लायंस क्या कर रहा है, काम ही नहीं कर रहा, मान लो अटैच नहीं भी हुई है, ठीक है, मान लो कोई इक्विपमेंट है ये, ठीक है, ये काम ही नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसी दिक्कत हुई है इसमें कि कोई भी ऐसा फॉल्ट आ गया कि करंट इधर से आया और डायरेक्ट ऐसे वायर में से निकल गया, तब भी तो क्या होगा, ये बर्नआउट ही होगा, क्योंकि करंट यहाँ 5 एम्पियर का ले रहा है मान लो, अब डायरेक्ट चला गया ये, तो ये ज़्यादा करंट हो गया 5 एम्पियर से, तो क्या होगा, ये बर्नआउट ही होगी वायर, ठीक है जी, क्लियर है। तो देयर इज अ फॉल्ट इन द एप्लायंसेस, कई बार आपने देखा होगा जब आप स्विच लगाते हो ना उसमें प्लग,
ठीक है ना, सॉकेट में प्लग लगाते हो, प्लग बोलते हैं हम, हाँ प्लग सॉकेट में लगाते हो, तो क्या होता है, जैसे ये प्लग ही हुआ ना, ये प्लग हुआ और ऐसे सॉकेट में हम लगाते हैं ऐसे समझो, ठीक है, तो कई बार ना पटाखा बज जाता है वहाँ, देखा है कभी? वो क्यों हो जाता है? क्योंकि अंदर वायर्स अटैच हो जाती हैं स्विच में, तो वो बाहर तो गई नहीं, जो भी जिसका भी वो प्लग है, जिस भी अप्लायंस का, वहाँ तो गया नहीं करंट, क्योंकि अंदर ही डायरेक्ट हो गई स्विच में, तो वो करंट वहीं से ऐसे घूमता है, तो वो ज़्यादा करंट हो गया, वायर इतना सहन नहीं कर पाएगी, वो जल जाती है, ये पटाखा बज जाता है उसका, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो वो यही है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की बात करते हैं, मैंने आपको बताई दिया, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस विच इज़ यूज टू सेव द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फ्रॉम बर्निंग, तो ओवरलोडिंग में भी ये काम करता है और शॉर्ट सर्किटिंग दोनों में, क्योंकि दोनों का ही रीज़न क्या है, लार्ज करंट फ्लो होता है, इस वजह से बर्नआउट होते हैं। वो अलग बात है कि भाई ये ओवरलोडिंग तो हो गई, एक ही सॉकेट में कई सारे अप्लायंसेस लगा दिए तो करंट ज़्यादा हो गया, यहाँ पर करंट कैसे ज़्यादा होता है कि वो डायरेक्ट हो जाती है, लाइव वायर भी और जो हमारी न्यूट्रल वायर है वो दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, तो यहाँ करंट ज़्यादा फ्लो करता है, लेकिन दोनों में ही करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, वो अलग अलग रीज़न की वजह से हो रहा है, तो वो करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है उसकी वजह से बर्न आउट हो रहा है, तो करंट ज़्यादा फ्लो ना करे उसकी वजह से, अगर मान लो करंट ज़्यादा फ्लो कर जाए ये समझो मतलब, ठीक है, तो अप्लायंसेस में कोई डिफेक्ट ना हो या फिर जो है आग मत ना लगे वहाँ, तो उसका बेनिफिट, उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमने क्या कर दिया, फ्यूज़ लगा दिया। अब फ्यूज़ का वही है कहानी क्या, कि अगर यहाँ से लार्ज करंट गया, मान लो इसमें हमने कहा भैया 15 एम्पीयर तक का करंट जाना चाहिए बस, अब अगर इसमें लार्ज करंट फ्लो कर गया तो ये बर्न आउट होगी, ये बर्न आउट होगी ना, बाकी तो सब कुछ बच ही जाएगा, ये ना लगाओ तो सब कुछ ही बर्न आउट हो जाएगा, ये कहानी है, ठीक है ना। तो इट इज़ यूज्ड इन सीरीज विद लाइव वायर के साथ, सीरीज में लगता है जैसे कि मैंने आपको बताया ही था ये, ठीक है, सीरीज में क्यों लगता है, क्योंकि करंट सीरीज में सेम रहता है, ठीक है ना, तो लाइव वायर ये है इस तरीके से, मान लो लाइव वायर है ये, ठीक है, तो लाइव वायर के यहाँ बीच में हमने ऐसे अटैच कर दिया इसको, ठीक है ना, इधर से कनेक्शन दे दिया, इधर से कनेक्शन दे दिया, तो यहाँ से जो करंट जा रहा है वही इसमें जाएगा सेम, ये चीज़ समझ रहे हो ना, इसलिए इसको सीरीज में लगाया, बात आ रही है समझ में या नहीं, ठीक है ना, तो जितना करंट इस वायर में से जा रहा है उतना ही इसमें से जाएगा, तो पता चल जाएगा, अगर ज़्यादा जाएगा तो ये बर्न आउट हो जाएगी, आगे करंट जाएगा ही नहीं, फिर कनेक्शन लॉस हो जाएगा ना, कनेक्शन ही टूट जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, जब मैंने आपको बताया 200 डिग्री सी होता है उसमें मेल्ट जाता है, क्योंकि अब देखो ना 15 एम्पीयर से ऊपर का जो करंट होगा ना, अब 15 एम्पीयर का लगाया आपने, तो 15 एम्पीयर में मान लो जितनी टेम्परेचर बन रही है उसको वो सहन कर रहा है, उससे ऊपर के जो करंट आएगा उस पर वो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और उस पर वो मेल्ट हो जाएगी, इस तरीके से बनाई है ये, ठीक है ना। 15 एम्पीयर में थोड़ी मोटी तार लगा देंगे आप, 5 एम्पीयर वाले फ्यूज़ में थोड़ी पतली तार लगा देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट विच मेल्ट्स व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट, ऑब्वियस बात है, ऑन मेल्टिंग इट डिस्कनेक्ट्स द सर्किट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड स्टॉप फर्दर फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहानी बताई है, ठीक है ना, आगे जाने ही नहीं देगा करंट को, तो स्टॉप फर्दर फ्लो ऑफ करंट इन द डिवाइसेस एंड सेव इट फ्रॉम द बर्निंग। और जो फ्यूज होते हैं वायर के, वो जनरली 5 एम्पियर और जो फ्यूजेज होते हैं फ्यूज वायर्स, ठीक है, ऑफ 5 एम्पियर 15 एम्पियर रेटिंग आर मोस्टली यूज इन डोमेस्टिक सर्किट्स। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो ये फ्यूज़ का ना, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, ठीक है, जैसे ये यहाँ पर बना हुआ है ना, ये चीज़ ऐसे लगा दी हमने, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे लगा दिया, अब एक्चुअल में होता है ये तो सिर्फ बनाने के लिए ऐसा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, ये लाइव वायर आई यहाँ, ठीक है, बाहर से लाइव वायर यहाँ अटैच हुई और यहाँ से हमने ये लाइव वायर का ही कनेक्शन है कि यहाँ से ऐसे अंदर घर की तरफ दे दिया, ठीक है, तो ये बीच में हो गया एक तरह से लाइव वायर के, ठीक है। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर है और यहाँ से भी वायर अटैच कर दी, अब करंट नहीं फ्लो कर रहा, अब करंट फ्लो कब करेगा, जब मैं इसको इसके अंदर बंद करूंगा, तो ये वाला पार्ट इससे अटैच हो गया और ये वाला पार्ट इससे अटैच हो गया, तो पाथ मिल गया करंट को, यहाँ से यहाँ जाने का पाथ मिल गया इसके थ्रू। अब इसमें यहाँ से यहाँ ना वायर लगी हुई है, वो वायर ही बर्न आउट हो जाती है, समझ रहे हो, यहाँ पर क्या है, एक वायर है। अब वो वायर अगर मान लो हमारे पास पीछे से कहूँ, मान लो हम जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं कितना, 15 एम्पीयर का मान लो, ठीक है, 15 एम्पीयर का ये लगाया हुआ है, 15 एम्पीयर का करंट ले रहे हैं, ठीक है। मान लो अब कुछ गड़बड़ हुई अंदर अप्लायंसेस में कुछ, तो वो क्या हो गए, मान लो शॉर्ट सर्किट हो गए, ठीक है, तो डायरेक्ट हो गए तो वहाँ पर लार्ज करंट फ्लो करेगा। अब लार्ज करंट जब फ्लो करेगा तो ये सबसे पहले यहाँ पर जो वायर है ना, जो इसके अंदर हमने ऐसे ये पूरा इक्विपमेंट ऐसे अटैच किया, उसके अंदर की जो वायर है ना, इसके अंदर की वायर है जो, वो बर्न आउट हो जाएगी, तो आगे करंट ही नहीं जाएगा, लाइव वायर का ही कनेक्शन टूट गया, लाइव वायर ही है ना ये, ऐसे लगी हुई लाइव वायर का कनेक्शन टूट गया, क्योंकि करंट यहाँ से यहाँ जाना है, वो इसके थ्रू जा रहा है, यहाँ लगी हुई है वायर। अब वायर लगी हुई है तो क्या हो रहा है, वो 15 एम्पीयर तक के करंट को तो जाने देगी, उससे ज़्यादा करंट जाएगा तो वो बर्न आउट हो जाएगी, समझ रहे हो ना बात, एक चीज़ को समझो। देखो बाहर से तो करंट आ ही रहा है, अब जो
अंदर जो हम करंट जो इक्विपमेंट ले रहा है वो 15 एम्पियर का ले रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ऑब्वियस ही बात है उसमें 15 एम्पियर का करंट आ रहा है उसमें। अब वो डायरेक्ट हो गया, लाइव वायर न्यूट्रल के साथ कनेक्ट हो गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो लार्ज करंट फ्लो करेगा। लार्ज करंट फ्लो करेगा तो वो बर्नआउट ना हो इक्विपमेंट वगैरह, या अंदर आग ना लगे, उससे पहले क्या होगा ये फ्यूज की जो वायर ना वो बर्नआउट हो जाएगी, तो अंदर करंट नहीं जाएगा, रुक जाएगा। बात आ रही है समझ में या नहीं बताओ, क्लियर कट हो रही है कहानी, ठीक है? तो ये चीज आपको समझनी है, ठीक है? तो ये एक्चुअल में फ्यूज होता है जो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो ये सीरीज में लगता है और इस तरीके से ये पूरा काम करता है हमारा फ्यूज। बताओ कोई दिक्कत है इसमें तो, ठीक है? तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए, फ्यूज कैसे काम करता है, या जैसे मैंने अभी फ्यूज के लिए ये कहानी बताई, अगर ओवरलोडिंग भी हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है वहां भी क्या होगा, हमारा लार्ज करंट ही फ्लो करता है, तो लार्ज करंट फ्लो ना करे उससे पहले ही क्या हो जाएगा इसमें, बताओ क्या होगा इसके अंदर पहले ही क्या हो जाएगा? ये देखो, अगर ओवरलोडिंग होगी वहां भी लार्ज करंट फ्लो करेगा, तो उससे पहले क्या होगा, इसके थ्रू ही लाइव वायर निकल रही है, ये इसके अंदर अटैच्ड है, ठीक है? तो इसके अंदर अटैच्ड है ये, तो ये वायर क्या होगी, बर्न आउट हो जाएगी ज्यादा करंट में और आगे बच जाओगे। अब ये कहोगे, अब ये अलग से क्यों लगाया हुआ है इसमें, अब ये अलग से इसलिए लगाते हैं, मान लो कुछ काम करना आपको करंट नहीं चाहिए अंदर, तो आप ऐसे फ्यूज को निकाल दो, ये मतलब ऐसे निकाल दिया आपने, ठीक है, तो अब क्या होगा, कोई काम नहीं होगा, कोई लाइट नहीं होगी अंदर, ठीक है? ये लगाओगे तो कनेक्शन बन जाएगा दोबारा से, ठीक है? तो ये प्रैक्टिकली थी जो मैंने आपको बात बताई, मेन चलो आप मुद्दे को समझो, फ्यूज क्या है यहाँ पर, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किटिंग क्या है, ओवरलोडिंग क्या है, तो क्लियर हो गई होगी बात, सिंपल सा फंडा है, एक वायर लगी होती है फ्यूज में, अगर लार्ज करंट फ्लो करेगा तो वो बर्न आउट हो जाएगी, आगे करंट नहीं जाएगा, बच जाएंगे सारे इक्विपमेंट, सिंपल सी बात है, कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।